बीते 3 साल से पानी की आवक का इंतजार कर रहे गुलाबी नगर के पेयजल लाइफलाइन बीसलपुर डैम में इस बार मॉनसून जमकर मेहरबान हो रहा है। बीते 8 दिनों से डैम ओवरफ्लो हो रहा है और लगातार डैम से पानी की निकासी की जा रही है। रविवार तक डैम के एक गेट से ही पानी की निकासी हो रही थी, वहीं आज सुबह डैम के 2 गेट और खोले गए और अब इससे 3 गुना ज्यादा पानी बनास में छोड़ा जा रहा है। डैम स्थित कंट्रोल रूम के अनुसार डैम में पानी का आवक रिजर्व लाइन से ज्यादा होते ही 2 गेट और खोलने पड़े। आपको बता दें, पहले बीसलपुर में प्रतिदिन 6000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा था, लेकिन अब 2 गेट और खोलने पर 3 गुना ज्यादा पानी यानी 18000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। वहीं त्रिवेणी में भी पानी की आवक 2 मीटर से ऊपर बनी हुई है। आपको बता दें, वर्ष 2016 में भी डैम ओवरफ्लो हुआ था और डैम के 16 गेट खोलकर पानी की निकासी की गई थी। वहीं 3 साल बाद एक बार फिर डैम झलक उठा और जब से बीसलपुर डैम के ओवरफ्लो होने की सूचना जयपुर वासियों को मिली है तो डैम पर सैलानियों का तांता लगातार बढ़ रहा है। रविवार के दिन तो इतनी भीड़ होती है कि सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की जा रही है और भीड़ को बांध के पास से हटाया जाता है। फिलहाल जो भी जयपुर वासियों की लाइफलाइन है तो जयपुर वासियों में भी उसको लेकर उत्साह है, क्योंकि कल तक बांध में पानी सूखने की कगार पर था, लेकिन राजस्थान पर मॉनसून की मेहरबानी से सबके चेहरे खिल उठे। स्पेशल डेस्क से हेमंत शर्मा की रिपोर्ट, नवतेज टीवी।